हेलो एवरीवन, तो लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेशन लॉज स्टार्ट किए थे और ये हमारा टेबल जो है कंप्लीट नहीं हुई थी। इसके बाद पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। इसके अलावा जहां तक टेस्ट डिस्कशन की बात है तो देखते हैं, या तो लास्ट में कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? तब तक आप सभी जो क्वेश्चंस हैं उसे कर लेना और जो भी प्रॉब्लम है वो आप जो है पूछ लेना, ठीक है? तो टेस्ट डिस्कशन होगा, लेकिन हो सकता है कि आज ना हो पाए, वो कल हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अब हम इसे इसे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम में रिएक्शंस आती हैं और हमें कंजर्वेशन लॉज को फॉलो कराने के बाद उसमें जो भी पूछा गया है वो कैलकुलेट करना होता है। हो सकता है उस रिएक्शन में उसने कोई अननोन पार्टिकल एक्स कह दिया और आपको एक्स फाइंड करना है, तो वो कैसे करोगे? तो वो जो अननोन पार्टिकल है उसको निकालने के लिए भी कंजर्वेशन लॉज फॉलो कराओगे। पहले देखोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करके उस अननोन पार्टिकल एक्स का चार्ज कितना है, उसका लैप्टन नंबर कितना है, बैरन नंबर कितना है, एटसेट्रा। कहने का मतलब यह है कि कैसी भी रिएक्शन आ जाए उसमें कंजर्वेशन लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, या वो रिएक्शन अलाउड है या फॉरबिडन, उसमें भी कंजर्वेशन लॉस हम फॉलो कराते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 8 कंजर्वेशन लॉस फॉलो कराए। ये सभी 8 कंजर्वेशन लॉस हर एक रिएक्शन में कंजर्व होने ही चाहिए, चाहे वो रिएक्शन कैसी भी हो, वीक से हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हो, स्ट्रॉन्ग से हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, वो रिएक्शन फास्ट हो, वो रिएक्शन स्लो हो, जो भी हो, पर अगर वो रिएक्शन पॉसिबल है तो ये फर्स्ट 8 कंजर्वेशन लॉज फॉलो होने चाहिए। इनको एक बार आप याद कर लो, और एग्जाम में ये 8 के 8 करने होते हैं। अगर बाई चांस लैप्टॉन नहीं नंबर लैप्टॉन्स नहीं है, बैरियंस नहीं है उस रिएक्शन में, तो उसको स्किप कर सकते हो, वो बात अलग है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, बैरियर नंबर और तीनों लैप्टन नंबर सेपरेटली कंजर्व करते हैं। अगर एक बार ये 8 कंजर्वेशन लॉस फॉलो हो गए तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन पॉसिबल है। अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो अब हम आगे पढ़ सकते हैं, ये जानने के लिए कि वेदर दैट रिएक्शन इज गवर्न बाई स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक। तो अब हम नंबर 9th पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड है नंबर 9th, जो कि हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। उसको मैं फिर से इस टेबल को पूरा कर देता हूँ। नंबर 9th के लिए मैंने कहा था कि ये जो आपकी सीक्वेंस है, शुरू में 8 आप किसी भी ऑर्डर से कर सकते हो, लेकिन जो नंबर 9th है उसको नंबर 9th पे ही करना है, और वो है आपका स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस नंबर को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग में ये कंजर्व होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड, बट इन वीक इट इज वायलेटेड, नॉट कंजर्व्ड, एंड इट इज एडिटिव। यानी जो करेक्टर है वो एडिटिव है, यानी कि दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है उनको ऐड करो, अगर वो बराबर है, इक्वल है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड, तो इट इज एडिटिव। यहाँ पे हमने कहा इसके लिए वीक के लिए हमने कहा कि इफ एस इज कंजर्व, डेल्टा एस इज जीरो, प्रोसीड टू नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ, यानी कि नंबर 10। फिर हमने कहा कि इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू 1, देन कंक्लूड कर दो कि इट इज वीक इंट्रैक्शन। ये मुझे पता है कि 9th 10th 11th हो चुके हैं, लेकिन उसको मैं दोबारा बता रहा हूं कि कंक्लूजन कैसे करना है, तो कोई डाउट ना हो।
तो यहां पे हो गया वीक इंट्रैक्शन। फिर हमने कहा कि अगर डेल्टा एस 1 के अलावा है तो भी फॉरबिडन है। इफ डेल्टा एस इज अदर देन 1 देन ऑल्सो रिएक्शन इज फॉरबिडन। यानी कि फर्स्ट स्टेट हो चुके हैं, हमें लग रहा है कि ये अलाउड है, लेकिन नाइन्थ पे आने के बाद अगर डेल्टा एस 1 के अलावा है तो भी फॉरबिडन है, यानी कि चेंज इन एस। और हमने कहा था कि इसका एक्सेप्शन है कि इफ रिएक्शन कंटेन्स बोथ के नॉट एंड के नॉट बार देन डेल्टा एस कैन बी अदर देन 1 एंड रिएक्शन इज वीक इज गवर्न बाई रिएक्शन वीक का मतलब गवर्न बाई वीक इंट्रैक्शन। अब हम नंबर 10th पे आए। नंबर 10th है आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। I3 स्ट्रॉन्ग में कंजर्व होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्व होता है, वीक में नहीं होता है, और ये भी एडिटिव है। तो यहां पे अगर आपका नो हो गया तो कंक्लूड कर दो, अगर नो हो गया तो कंक्लूड कर दो वीक, और अगर यस हो गया तो फिर प्रोसीड टू नंबर 10th, सॉरी नंबर 11th, यानी नेक्स्ट प्रोसीड टू नंबर 11th। अब नंबर 11th है आपका आइसोस्फीयर। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। आइसोस्पिन, आइसोस्पिन का सिंबल आई से नोट कर रहे हैं हम, और यहां पे टी से भी नोट कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में यस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये नो होगा, यानी कि जो यस है वो सभी में यस होता है अगर स्ट्रॉन्ग है तो। For strong, all the 16 conservation laws are followed. For electromagnetic, all 15 except isospin. तो केवल ये isospin है, ये difference बता रहा है strong और electromagnetic में, और weak में ये भी no है, और ये इसमें जो है character जो है वो है vector addition. तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका no हो गया तो कंक्लूड कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब यहां पे वीक नहीं होगा, और अगर आपका यस हो गया तो कंक्लूड कर दो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एग्जाम में यहीं तक करना है, बाकी टेबल हम याद कर रहे हैं अब आगे। ठीक है, एग्जाम में यहां तक करना है, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हम नंबर 12th पे जाते हैं। तो ये हमारे लिए नया है, अब आप लिखना शुरू करो। नंबर 12th है, और क्योंकि हमने कहा कि हमें 11th तक ही करना है एग्जाम में, तो इसके आगे के जो ऑर्डर्स हैं वो आपकी मर्जी है, वो ऑर्डर भी आप जो है किसी भी ऑर्डर से देख सकते हो, हालांकि हम उसे करेंगे नहीं एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लिखो पैरिटी सबसे पहले, तो पैरिटी को आप पी से या पाई से डिनोट कर सकते हो। पैरिटी भी आपका, मैंने क्या कहा कि ऑल 16 आर यस इन स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे यस होगा, ऑल 15 आर यस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेप्ट आइसोस्पिन, तो यहाँ भी यस है, लेकिन वीक में ये नो है, वीक में पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड, और करेक्टर है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये है कि ऑड इनटू ऑड पैरिटी इज इवन, इवन इवन इनटू इवन इज इवन, एंड ऑड इनटू इवन इज ऑड,
और यहाँ पे हम ऑड का हम कह रहे हैं, ऑड का मतलब ये से मानिए -1, और इवन का मतलब ये मान लीजिए +1। हाँ, जहां पे ब्लैंक स्पेस है, जहां पे कल हमने एक पेज छोड़ा था, तो 11 के बाद जहां पे छोड़ा है, छोड़ी जगह है, वहां पे आप लिखिए, मतलब इस टेबल को पूरा कर लीजिए। अब 12th ही हो गया, नंबर 13th। और पैरिटी कंजर्व कैसे करते हैं उसको मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी है तो पैरिटी कंजर्व कैसे करते हैं, पैरिटी ऑफ ए इंटू पैरिटी ऑफ बी, या एक काम कर दो, एक काम करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो अलग बात है कि एग्जाम में इसे इसे नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। मान लो कोई रिएक्शन आपके पास ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, तो पैरिटी कंजर्व ऐसे करते हैं कि पैरिटी ऑफ ए इंटू पैरिटी ऑफ बी इंटू -1 की पावर एल ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ सी इंटू पैरिटी ऑफ डी इंटू -1 रेज टू पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब इसको एग्जाम में इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपका डीके की रिएक्शन है तो एल ऑफ द रिएक्टेंट तो 0 होता है, पर अगर आपकी डीके की रिएक्शन नहीं है और ए प्लस बी की रिएक्शन हो रही है तो वहां पे रिलेटिव मोशन है, वहां पे एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो जब तक उसने एल आर की वैल्यू नहीं दी है, तब तक आप एल पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब तक कि वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट्स नहीं देगा, तब तक आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट्स नहीं निकाल सकते। वो अलग बात है कि पैरिटी आपको चारों सभी पार्टिकल्स की मैंने याद करा दी है, तो क्योंकि आप एल की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो तो आप पैरिटी को कंजर्व नहीं कर सकते एग्जाम में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर पैरिटी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में अगर आ गया कि वेदर पैरिटी इज कंजर्व इन दिस रिएक्शन और नॉट, तो कैसे करोगे? तो उसको 11th तक करने के बाद कंक्लूड कर दिया आपने। मान लो आपने कंक्लूड कर दिया कि मान लो वो रिएक्शन स्ट्रांग है, आपने कंक्लूड कैसे कर दिया, 11th तक कर दिया, और फिर भी आपसे पैरिटी पूछ ली, तो आप पैरिटी बिना करे कह दो कि पैरिटी विल बी कंजर्व बिकॉज दैट रिएक्शन इज स्ट्रांग। आप समझ रहे हो, यानी कि आपको पैरिटी कंजर्व नहीं करना है, पर क्योंकि आप कंक्लूड कर चुके हो कि दैट इफ रिएक्शन इज स्ट्रांग देन यू विल से पैरिटी विल बी कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे आपको टेबल याद है कि पैरिटी कंजर्व होती है स्ट्रांग में। अगर आपने कंक्लूड कर दिया कि आपकी रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो बिना पैरिटी को कंजर्व करे कह दो कि पैरिटी विल बी कंजर्व, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैरिटी कंजर्व होती है। और अगर आपने कंक्लूड कर दिया कि आपका इंट्रैक्शन वीक है, तो आप कह सकते हो कि पैरिटी विल नॉट बी कंजर्व बिकॉज दैट रिएक्शन इज वीक एंड पैरिटी इज नॉट कंजर्व इन ए वीक इंट्रैक्शन। तो आप बिना करे, जो आगे वाले हम लिख रहे हैं, बिना करे आप कह दोगे क्योंकि तो आपको टेबल याद है। अब हम नंबर 13 पे चलते हैं। नंबर 13 है आपका चार्ज कंजुगेशन। चार्ज कंजुगेशन का सिंबल हम सी से डिनोट कर रहे हैं। चार्ज कंजुगेशन एक ऑपरेटर है, जैसे पैरिटी ऑपरेटर है। तो अगर आप इसको ऑपरेट कराओ किसी पार्टिकल पे या किसी रिएक्शन पे, तो हर एक पार्टिकल अपना अपने इंटर अपना जो है एंटी पार्टिकल में चेंज जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ईच पार्टिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एंटी पार्टिकल। तो अगर आपने चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट करा दिया तो हर एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल में चेंज जाएगा। अब चार्ज कंजुगेशन कंजर्वेशन का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग में यस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यस है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग में सभी यस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ऑल 15 आर यस एक्सेप्ट आइसोस्पिन, तो यहाँ पे यस यस ही लिखना है। लेकिन वीक में काफी सारे नो होते हैं, तो वीक में आपको याद करना है, तो यहाँ पे चार्ज कंजुगेशन भी कंजर्व नहीं होता है, इस ये भी मल्टीपल केटिव है। अब कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है, तो अगर पार्टिकल्स में कोई रिएक्शन है और चार्ज कंजुगे और आपकी रिएक्शन वैलिड है, मतलब कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो उसके एंटी पार्टिकल्स की रिएक्शन भी कंजर्व होगी, मतलब चार्ज कंजुगेशन उसके एंटी पार्टिकल्स में भी कंजर्व करेगा।
और वो इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग से होगा। अगर मान लो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये मान लो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो इनका एंटी पार्टिकल जब चार्ज कंजुगेशन आपने ऑपरेट किया तो एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग से ही होगा और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर वो मान लो रिएक्शन वीक से होती तो चार्ज कंजुगेशन फॉलो नहीं होगा, यानी कि उनके एंटी पार्टिकल्स से जो रिएक्शन बनेगी वो फॉलो नहीं होगी, ठीक है। अब ये हो गया नंबर 13। अब हम बात करेंगे नंबर 14, 15, 16 की। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, नंबर 14। नंबर 14 है टाइम रिवर्सल। तो जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये सब यस होंगे, लेकिन वीक में टाइम रिवर्सल भी, वीक में जो है टाइम रिवर्सल भी यस होगा। तो ये थोड़ा अलग हो गया। तो यानी कि हम जो है अब तक वीक में क्या कहा हमने, वीक में हमने कहा स्टेनलेस भी नो, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट भी नॉट कंजर्व, आइसोस्पिन इज नॉट कंजर्व, पैरिटी इज नॉट कंजर्व, चार्ज कंजुगेशन इज नॉट कंजर्व, बट टाइम रिवर्सल विल बी यस, कंजर्व होगा। और यहाँ पे जो करेक्टर है ये भी मल्टीप्लिकेटिव है। अब टाइम रिवर्सल होता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो वो बैकवर्ड में भी पॉसिबल होगी, बैकवर्ड इन टाइम कह सकते हो, यानी कि हम टाइम को रिवर्स नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हो कि सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये हो गया नंबर 14। नंबर 15, एग्जाम में 11th के बाद वाले जो हैं उन पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मतलब ना के बराबर, केवल एक बार गेट में आया है, लेकिन ये टेबल याद करनी जरूरी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि इस रिएक्शन में टाइम यूनिवर्सल कंजर्व है कि नहीं है, तो आप 11th तक कंफर्म कर दो और उसके बाद देख लो। मान लो वो रिएक्शन फॉरबिडन हो गई, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कह दो कि जब पॉसिबल ही नहीं है तो टाइम यूनिवर्सल भी कंजर्व नहीं है, लेकिन बाई चांस पॉसिबल है तो फिर तीनों में यस है, तो आप कह दो कि टाइम यूनिवर्सल इज कंजर्व। उसके बाद नंबर 15 है चार्ज कंजुगेशन पैरिटी, यानी कि सीपी, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो ऑपरेटर ऑपरेट कराए वो चार्ज कंजुगेशन और पैरिटी एक के बाद एक करा दिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। आपकी मर्जी, आप पहले पैरिटी कर ऑपरेट करा दो फिर चार्ज कंजुगेशन, या पहले आप चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट करा दो फिर पैरिटी। तो इसमें स्ट्रॉन्ग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो ये यस है ही, लेकिन यहां पे फोकस करो कि वीक में भी यस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चार्ज कंजुगेशन सेपरेटली नो हो रहा था, चार्ज कंजुगेशन अगर आप करोगे तो वीक में नो है, पैरिटी करोगे तो नो है, लेकिन दोनों को एक के बाद एक कर दोगे तो यस हो गया, ठीक है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव है, लेकिन यहां पे एक एक एक्सेप्शन है, बल्कि ये जो है टाइम रिवर्सल में भी एक्सेप्शन है। वो क्या है, वीक के लिए है एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहां पे लिख लो टाइम रिवर्सल में भी और इसमें भी, वीक के लिए है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, तो ये हो गया एक एक्सेप्शन। और वो क्या है, वो ये है कि बट वायलेटेड इन के नॉट डी के नॉट एक स्ट्रेंज पार्टिकल है, इसका डी के वीक से होता है, इसका डी के होता है वीक से, क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, के में सारे स्ट्रेंज पार्टिकल्स, तो के नॉट की बात हो रही है, तो के नॉट का जो डी के है वो वीक से होता है,
इस वाले डीके में या इस वाली वीक इंटरेक्शन में टाइम रिवर्सल और चार्ज कंजुगेशन वायलेट होंगे, यानी कि नो होंगे, बाकी सभी वीक में यस होंगे। तो ये एक्सेप्शन हो गया टाइम रिवर्सल का और चार्ज कंजुगेशन का, अदरवाइज ये यस है वीक में। उसके बाद हम लास्ट बात करें, वो है चार्ज कंजुगेशन टाइम रिवर्सल एंड पैरिटी, यानी कि जब तीनों को ऑपरेट कराएं इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। तो ये जो है तीनों में यस है, मल्टीप्लिकेटिव है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। कहने का मतलब ये है के नॉट डी के में भी यस है, ऑल्सो कंजर्व्ड इन के नॉट डी के। तो सीपीटी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस पे हम आगे एक बाद में फोकस करेंगे एक दो एग्जाम्पल से कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसे कुछ ऐसे मान सकते हो आप। तो पहले ऐसे लिख लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं, तो अगर ये लिख लिया हो तो मुझे बता देना। मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं आपको के नॉट डीके में यस कैसे हो गया, इसे मतलब कैसे समझे। तो आप अपनी टेबल में अब देखो ऊपर से नीचे तक, स्ट्रॉन्ग में सभी 16 यस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आइसोस्पिन नो है, नंबर 11th आइसोस्पिन नो है, बाकी 15 यस है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो आपको ये टेबल याद हो गई। जहां तक वीक की बात है, वहां पे काफी सारे नो है, उनको याद करने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं के नॉट डी के बात को बता दूं थोड़ा सा, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं कि सीपीटी आपका यस है, नो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस पे हम बाद में दोबारा फोकस करेंगे, लेकिन यहां पे मैं के नॉट डी की बात करूं तो इसका मतलब यह है, ऐसे मानिए कि लेट फॉर यस वी विल राइट +1, फॉर नो वी विल राइट, एक मिनट, राइट की स्पेलिंग गलत हो गई, ये राइट ये वाला नहीं है, राइट का मतलब हमें कम करना चाह रहे हैं, WRIT। -1। तो ऐसे मानो कि मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूं कि यस का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव है ना, तो यस का मतलब हम ये कह रहे हैं कि लेट से यस का मतलब +1 है और नो का मतलब -1 है। ठीक है, तो अगर हम वीक की बात करें, क्योंकि क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो यस है सभी, स्ट्रॉन्ग में तो सभी यस है, हम वीक की बात करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने वीक में सिर्फ चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट कराया तो आपका नो आ गया, नो का मतलब -1 आ गया। अगर आपने केवल पैरिटी ऑपरेट करा दिया तो आपका नो आ गया, इसका मतलब -1 आ गया। अगर आपने टी ऑपरेट करा दिया तो इसका मतलब नो आ गया, तो आपका -1 आ गया। फिर हमने क्या कहा कि भाई अगर आप सी और सीपी को ऑपरेट करा दो और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो -1 × -1 विल बिकम +1। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई सीपी आपका कंजर्व हो जाता है अगर आप दोनों को ऑपरेट करा दो। अब हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं के नॉट डी के। हमने जब के नॉट डी के की बात करी तो के नॉट डी के में हमने कहा कि ये एक्सेप्शन है, के नॉट डी के में सीपी जो है वायलेट होता है, तो सीपी जो है के नॉट डी के में नो हो जाता है।
ठीक है, तो हमने कहा कि भाई अगर आप सीपी करते हो के नॉट डीके में तो नो हो जाता है, तो उसका हो गया -1। फिर हमने कहा कि टी अगर आप टी करते हो के नॉट डीके में तो वो भी एक्सेप्शन है, उसमें भी नो हो जाता है, तो ये हो गया -1। लेकिन फिर हमने कहा कि के नॉट डीके में अगर आप सीपीटी करते हो, किसमें, के नॉट डीके में, तो फिर वो -1 × -1 + 1 हो जाता है, यानी कि के नॉट डीके में भी +1 हो गया, के नॉट डीके में भी कंजर्व हो गया। कहने का मतलब ये है सीपीटी में कोई एक्सेप्शन नहीं रहा, ठीक है। ऐसा ही हम और प्रॉपर्टीज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे अभी मैं फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ, सीपीटी को बाद में, इनको बाद में दोबारा करेंगे। अभी फिलहाल हमने कंजर्वेशन लॉस की टेबल पूरी कर ली है, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, और क्वेश्चंस पे आने से पहले थोड़े से पॉइंट्स लिखवाने हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे चले। हाँ यस, एक मिनट, नहीं आप सही कह रहे हो, ये यहाँ गलती से लिखा गया है। वीक में अगर टी होगा तो यस होगा, वीक में ये आप सही करो इसे, ये यस था, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहाँ पे होगा +1, वीक में टी इज +1, बट के नॉट डी के इज -1, तो वीक में आप +1 करो इसे, ये यस, ये तो टाइम रिवर्सल इज यस फॉर वीक, लेकिन सीपी एक साथ भी यस हो गया। और सीपीटी अगर करते, सीपीटी अगर करते तो जो है वो यस हो ही गया, क्योंकि तो सीपी अगर यस है तो फिर +(+) हो गया, लेकिन के नॉट डी के में भी प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली आप उसमें करेक्शन कर लो कि टाइम रिवर्सल में प्लस होगा, तो वो टेबल में आपका सही लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं और उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, अब यहाँ पे आप एक इम्पोर्टेंट लिख के डाल लो, इसको आपको रिवाइज करना है बार बार, इसको भी रिवाइज करना है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डालो, रेस्पॉन्स ऑफ पार्टिकल्स टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंट्रैक्शन। और यहां पे आप इसे ये भी कह सकते हो, पॉइंट्स टू रिमेंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन सा इंट्रैक्शन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन, या दिस रिएक्शन इज प्रोसीड्स वाया विच इंट्रैक्शन, तो ये बात ठीक है कि आप कंफर्म तो कंजर्वेशन लॉस से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाह रहा हूं जहां पे बिना कंजर्वेशन लॉस करे भी आप कह सकते हो कि ये इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग से लग रहा है, या स्ट्रॉन्ग से होना चाहिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होना चाहिए, या वीक से होना चाहिए, और फिर कंफर्मेशन आप कंजर्वेशन लॉस से कर लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, इफ रिएक्शन, और इन पॉइंट्स को साथ साथ याद करने की कोशिश करना, इफ रिएक्शन कंटेन्स न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉनिक म्योनिक टॉनिक किसी भी तरह का, अगर किसी रिएक्शन में न्यूट्रिनो है या एंटी न्यूट्रिनो है तो वो रिएक्शन 100% वीक इंट्रैक्शन होगा, 100% वीक होगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट रिएक्शन इज नॉट फॉरबिडन, प्रोवाइडेड रिएक्शन इज
नॉट फॉरबिडन। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें फर्स्ट एट कंजर्वेशन लॉ नहीं हो रहे हैं। मान लो उस रिएक्शन में चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जब वो पॉसिबल नहीं है तो वीक से थोड़ी हो जाएगा वो, उस केस में कहेंगे फॉरबिडन। तो इसका मतलब फर्स्ट एट तो होना ही चाहिए, फर्स्ट एट शुड बी कंजर्व। तो आपको ये चेक करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि न्यूट्रिनो है तो आप उसको न्यूट्रिनो देखते ही वीक लगा दो, ऐसा नहीं करना है। आपको फर्स्ट एट देखना है। अगर फर्स्ट एट वाले कंजर्व हैं और आपको लगता है कि रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, और डेल्टा एस भी वन होना चाहिए, अगर डेल्टा एस वन नहीं है तो भी रिएक्शन फॉरबिडन है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कंफर्म हो गए कि वो वीक होने चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट है कि इफ रिएक्शन कंटेन्स फोटोन, अगर रिएक्शन में फोटोन है जिसका सिंबल गामा है, तो ये 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। हम फिर से वही बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड रिएक्शन इज नॉट फॉरबिडन। ठीक है, तो अगर रिएक्शन में फोटोन होगा तो वो 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। अब यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, उसे लिखना है आपको। किसके लिए हम इसकी बात कर रहे हैं? अगर रिएक्शन में फोटोन है तो अब कंजर्वेशन लॉस करोगे तो कैसे करोगे? तो अगर किसी रिएक्शन में फोटोन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, आपने कह दिया 100%। तो इसका मतलब ये तो कंक्लूड हो गया कि आइसोस्पिन उसमें कंजर्व नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि इफ रिएक्शन कंटेन्स फोटोन तो उसमें आइसोस्पिन विल नॉट बी कंजर्व्ड। या ये तो कंफर्म हो चुका। तो अगर ऐसा है तो एग्जाम में गलती से आपकी गलती ना हो जाए, उस गलती से बचने के लिए मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि इफ ए रिएक्शन कंटेन्स फोटोन कंजर्व अप टू I3, डू नॉट कंजर्व I। I को कंजर्व नहीं करना है, I3 तक करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपके पास एक थियोरटिकल मेथड है और थियोरटिकल मेथड्स आर नॉट फुल प्रूफ। थियोरटिकल मेथड कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल से मैच कर जाए। तो जो थियोरटिकल मेथड्स हैं उनमें भी ड्रॉबैक है। थियोरटिकल मेथड हमेशा नहीं लग पाते हैं, नहीं अप्लाई हो पाते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में फोटोन है तो गलती से क्या होगा, गलती से आप आइसोस्पिन कंजर्व करोगे और गलती से आइसोस्पिन वहां पे कंजर्व होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास थियोरटिकल मेथड फुल प्रूफ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर फोटोन वाली रिएक्शन में I3 तक करोगे और I3 कंजर्व हो जाएगा, और मैं आपसे कह चुका हूं कि I3 अगर कंजर्व हो गया तो I पे बढ़ जाओ आगे, पर फोटोन वाली रिएक्शन में I पे नहीं बढ़ना है। डू नॉट कंजर्व I, वहीं रुक जाओ, I पे नहीं बढ़ना। बिना I को कंजर्व करे कह दो I इज नॉट कंजर्व। बिना I को कंजर्व करे आपको कहना है I इज नॉट कंजर्व। तो गलती से आप I पे जाओगे तो I गलती से कंजर्व हो सकता है, क्योंकि आपके पास थियोरेटिकल मेथड ऐसा है कि जो गलती से कंजर्व कर देता है फोटोन वाली रिएक्शन में। तो उससे उस गलती से बचने के लिए क्या करें, आप आई को कंजर्व मत करो, बिना करे कह दो आई इज नॉट कंजर्व, कंजर्व अप टू I3। और अगर आपका I3 कंजर्व हो गया, और यहां पे क्या करोगे, इफ I3 इज कंजर्व, कंक्लूड कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आगे बढ़ना नहीं है, डू नॉट प्रोसीड टू I। और अगर I3 कंजर्व नहीं हुआ, इफ I3 इज नॉट कंजर्व, कंक्लूड कर दो वीक, ये करना है। क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग तो ये हो ही नहीं सकता अगर फोटोन है तो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एड करने हैं, फर्स्ट एड के बाद देखना है रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। फर्स्ट
फर्स्ट एड कर लिया, फिर स्टेनलेस देखना है, फिर थर्ड कंपोनेंट देखना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे चले। तो ये हो गया पॉइंट नंबर सेकेंड। मैंने यहाँ पे लिखा है डू नॉट प्रोसीड टू आई, किसके लिए लिखा है? अगर फोटो ने रिएक्शन में, बाकी रिएक्शन के लिए नहीं लिखा है, बाकी में तो आपको आगे बढ़ना ही है। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट की, ठीक है? तो नंबर थर्ड पॉइंट है, इफ ए रिएक्शन कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उनके एंटी पार्टिकल्स एंड पायॉन्स, फोटोन के केस में रिएक्शन वीक नहीं होगी, नहीं हो सकती, ठीक है? मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, कहीं पे अगर आपने ये लिखा हुआ देखा, फोटोन प्लस फोटोन इज इक्वल टू न्यूट्रिनो प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, तो ये रिएक्शन वन स्टेप में नहीं हो रही होगी, ये रिएक्शन टू स्टेप में हो रही होगी, ये वन स्टेप में हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो यहां से आप कह रहे हो 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहां से कह रहे हो 100% वीक, तो फिर हम क्या माने? इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही होगी, पहले आपका पेयर प्रोडक्शन बन रहा होगा और फिर पेयर प्रोडक्शन से आपका हो सकता है कि ये बन जाए, तो फर्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो रहा होगा और सेकेंड स्टेप में वीक हो रहा होगा, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि इससे कंक्लूजन ये भी हो गया कि किसी भी रिएक्शन में किसी एक स्टेप की बात करें तो किसी भी रिएक्शन में फोटोन और न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो एक साथ नहीं हो सकते, किसी भी रिएक्शन में फोटोन और न्यूट्रिनो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है? तो अगर फोटोन है तो 100% इलेक्ट्रोमैटिक, अगर वीक है तो 100% मतलब अगर न्यूट्रिनो है तो 100% वीक, ठीक है? तो इसको मैं हटा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था कि ये रिएक्शन वन स्टेप में नहीं हो रही होगी अगर ये लिखी हुई है तो, है ना? तो फोटोन में 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स है और पायॉन्स है, पायॉन्स का मतलब पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट, ये है, देन रिएक्शन इज 99% स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मैं 100 भी कह सकता हूँ, आप इसे 100 भी कह सकते हो, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे मुझे कोई एक्सेप्शन आज तक मिला नहीं, ठीक है? इसीलिए आप 100 भी कह सकते हो, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आप कंफर्म आप कंफर्म जरूर करोगे उससे, कंजर्वेशन लॉस से, ठीक है? कंफर्म करोगे, लेकिन आप जो है इस कंजर्वेशन लॉस लगाने से पहले ही आपको पता चल गया कि भैया स्ट्रांग आपको लग रही है, लेकिन यहाँ फिर से मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेट मत भूलना, प्रोवाइडेड रिएक्शन इज पॉसिबल, ऐसा ना हो कि उसमें बैरियम नंबर कंजर्व ना हो, ऐसा ना हो कि उसमें लेप्टॉन नंबर कंजर्व ना हो या चार्ज कंजर्व ना हो, तो रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए, फॉरबिडन नहीं होनी चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट, नंबर फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स, हम पहले कह चुके हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स का प्रोडक्शन होता है टेंडेंसी, मैं यहाँ पे 100% नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो मैंने कहा टेंडेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। नंबर फिफ्थ है डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स, टेंडेंसी ऑफ वीक इंट्रैक्शन, तो 100% इसलिए नहीं कह रहे हैं बिकॉज इट हैज ऑल्सो सम एक्सेप्शंस, तो एक एक्सेप्शन मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, एक एक्सेप्शन है
सिग्मा नॉट का, जिसका डीके ये होता है, इस रिएक्शन को आपको आगे से याद रखना है, इसमें फोटोन है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट है, डीके ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सभी नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे अगर न्यूट्रॉन डीके होता है तो न्यूट्रॉन जब जब डीके होता है तो न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल है, पर उसका डीके वीक से होता है, तो एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो इसीलिए हमने 100% नहीं लिखा। उसके बाद नंबर 7, इफ रिएक्शन कंटेन्स ओनली मेसॉन्स, अगर सभी मेसॉन है, सारे मेसॉन है, यानी पाई मेसॉन, के मेसॉन, ईटा मेसॉन, उनके अलावा भी होते हैं, वो रेजोनेंस पार्टिकल्स होते हैं, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका टेंडेंसी होती है वीक से, टेंडेंसी ऑफ वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप ये लिख लिया हो तो अब हम अगला पॉइंट चले, अगले पॉइंट पे आए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर 8। नंबर 8 पे थोड़ा समझना मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। इफ ए रिएक्शन कंटेन्स ऑल लेप्टॉन्स ऑन वन साइड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, वन साइड ऑफ द रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में सभी लेप्टॉन्स हैं एक साइड में और दूसरे साइड में लेप्टॉन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, या मान लो लेप्टॉन एक भी नहीं है, ठीक है, देन इट कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो लेप्टॉन्स हैं उनमें आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट उनका होता नहीं है, लेप्टॉन्स वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, ठीक है, इट कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती तो क्या करें, मतलब गलती ना हो एग्जाम में उसके लिए क्या करें। तो जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती तो उसमें आई कंजर्व नहीं हो सकता, तो जैसे हमने फोटोन के लिए कहा कि फोटोन वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होगी, और हमने फोटोन वाली में के लिए कहा कि आई को कंजर्व मत करो, आई 3 तक करो, यहां भी हम यही कह रहे हैं, कंजर्व अप टू आई 3, डू नॉट कंजर्व आई, इन सच रिएक्शन कंजर्व अप टू आई 3 एंड डू नॉट कंजर्व आई, क्योंकि अगर आपने गलती से आई कंजर्व कर दिया और आपका आई कंजर्व हो गया, क्योंकि तो हमने कहा कि थियोरिटिकल मेथड्स फुल प्रूफ नहीं होते हैं, ठीक है, और थियोरिटिकल मेथड्स हमेशा एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं कर पाते हैं, तो उसके उससे उससे गलती से बचने के लिए हमने कहा कि ऐसी रिएक्शन में जहां पे सभी लेप्टॉन्स रिएक्शन के एक तरफ हो, वहां पे आप I3 तक कंजर्व करो, आई को मत करो। I3 तक कंजर्व करने का मतलब ये है कि अगर I3 कंजर्व हो गया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, I3 कंजर्व नहीं हुआ तो वो वीक, डू नॉट प्रोसीड टू आई, ये हमने कहा, ठीक है।
उसके बाद ऐसी रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है म्यू माइनस प्लस म्यू प्लस के माइनस प्लस के प्लस। यहां पे रिएक्शन में लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स में ऑल लेप्टॉन्स है, सभी लेप्टॉन्स है। तो ऐसी रिएक्शन में ये जो आकांक्षा है वो अपनी वीडियो प्लीज ऑफ कर दे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो पॉपअप हो रहा हो और औरों को डिस्टर्ब हो रहा हो। ठीक, तो आप सभी लोग अपनी वीडियो ऑफ कर दे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बुरा मानने की कोई बात नहीं है, तो अगर आपसे कहा है तो आप आराम से वीडियो ऑफ कर दे, क्योंकि वो दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे तो खैर नहीं हो रहा, वो लोग कह रहे हैं इसीलिए मैंने आपसे कह दिया। अब हम आगे चलते हैं कि ये एग्जाम्पल हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आप I3 को कंजर्व करोगे नहीं, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी खुद पता नहीं चलता कि हमारी वीडियो ऑन हो गई है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चल रहे हैं, तो I3 ये हो गया 0 प्लस 0। अगर आप देखो अगर आप शुरू से करोगे कंजर्वेशन लॉ तो वो तो सब हो जाएंगे। अब अगर आप कंजर्वेशन लॉ कर रहे हो और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो यहाँ पे जब I3 कंजर्व करोगे तो लेप्टॉन्स का I3 जीरो होता है, उसके बाद I3 के प्लस के माइनस के नॉट 12 कितना होता है। तो इनके लिए मैंने कहा कि ये दोनों और ये दोनों डबलेट बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी स्ट्रेंजनेस होती है +1, इनकी स्ट्रेंजनेस होती है -1। तो अगर यहाँ पे हम बात करें यह के प्लस के माइनस, के प्लस के माइनस, तो हम यहाँ बात करें के प्लस और के नॉट डबलेट बनाते हैं और के माइनस और के नॉट बार डबलेट बनाते हैं। तो अगर इनका आई देखोगे डबलेट के लिए तो वो तो है हाफ, ये डबलेट है। डबलेट के लिए हमने कहा 2i+1 = 2, i = हाफ। थर्ड कंपोनेंट -i to +i अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो के प्लस के लिए आप दे दो +1/2, तो उसके साथ वाले के लिए -1/2, के माइनस के दो तो -1/2, उसके साथ वाले के लिए +1/2। तो यहाँ पे जब आप देखोगे के माइनस का -1/2 अकॉर्डिंग टू चार्ज, के प्लस का +1/2, तो यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट कंजर्व हो गया। तो अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि थर्ड कंपोनेंट कंजर्व हो गया, तो अब आप आई की तरफ मत बढ़ो, आई आई नहीं करना है। आई क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सभी लेप्टॉन्स हैं रिएक्शन के एक तरफ रिएक्टेंट्स में। अब आप अगर गलती से आई करोगे तो आप कहोगे ये जीरो है, इनका आई हाफ है और इनका वेक्टर एडिशन हो जाता है 0 और 1, इनका वेक्टर एडिशन होता है 0। तो यहाँ पे एक कॉमन हो गया, यहाँ पे एक कॉमन हो गया, और मैंने कहा था एटलीस्ट वन शुड बी कॉमन, और आप इसे गलती से स्ट्रॉन्ग कह दोगे क्योंकि आपका आई कंजर हो गया। लेकिन मैंने कहा है गलती से बचने के लिए ऐसी रिएक्शन में आई को कंजर्व मत करो, डू नॉट कंजर्व आई, बिना आई को करे कह दो आई विल नॉट बी कंजर्व, रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, तो अब हम आगे चलते हैं। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ है वहां पे आई को मत करो, जिस रिएक्शन में फोटोन है वहां पे आई को मत करो, I3 तक रुक जाओ। अगर I3 हो गया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, I3 नहीं हुआ है तो वीक, और अगर उससे पहले स्ट्रेंजनेस अगर नहीं हुआ है तो भी वीक, फिर I3 तक जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, या अब मैं एक एक थोड़ा सा रिएक्शंस और लिखवा दूं, और वो है क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं अब आपको कुछ रिएक्शंस स्ट्रेंज पार्टिकल्स की लिखवा दूं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स की, ठीक है, कि उनका प्रोडक्शन वाली रिएक्शन और उनकी डीके वाली रिएक्शन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं,
अब आप यहाँ पे हेडिंग डालो स्ट्रेंजनेस, दिस कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जेलमैन एंड निजीमा इन 1953। ये हम पहले कह चुके हैं कि हाइपरॉन्स एंड के मेसॉन्स आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स। इनके अलावा भी और भी होते हैं, लेकिन हमने जितने पढ़े हैं मैं उन उतने की बात कर रहा हूँ कि हाइपरॉन्स और के मेसॉन्स स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। पर इनके अलावा भी पार्टिकल्स हैं बहुत सारे जो लगातार डिस्कवर हो रहे हैं, और हमने वो यहाँ पे अभी कवर नहीं किए हैं, और सभी पार्टिकल्स हमें करने भी नहीं है। कुछ रेजोनेंस पार्टिकल्स और करने हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा आपको। यहाँ पे अब हमें करना है कि देयर प्रोडक्शन प्रोसीड्स वाया स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक टाइम कितना होगा? कैरेक्टरिस्टिक टाइम का मतलब कितने टाइम में वो रिएक्शन होगी, तो उसका ऑर्डर होगा आप कह सकते हो लेस देन 10^-22 सेकेंड्स। हमने कहा था स्ट्रॉन्ग वाली रिएक्शन फास्ट होती है, तो लेस देन 10^-22 सेकेंड्स। एंड देयर डीके प्रोसीड्स वाया वीक इंट्रैक्शन। इनका जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो है, मतलब वो जो है वीक वाले रेंज में आएगा, तो आप कह सकते हो कि ग्रेटर देन 10^-14 एंड लेस देन 10^3 सेकेंड। ठीक है, इस इसके बीच में होना चाहिए। तो हमने जब याद किया था तो हमने कहा था के मेसॉन और हाइपरॉन्स का जो करता है टाइम है वो 10^-10 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, उस -10 -8, तो वो हमने जो है याद किया था। अब यहाँ पे एक चीज और है, हाइपरॉन्स एंड के मेसॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एसोसिएशन विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। आपने ये क्या लिखा, प्लस प्लस हाइपरॉन्स एंड के मेसॉन्स आर प्रोड्यूस इन एसोसिएशन विद ईच अदर, दिस दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एसोसिएटेड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एसोसिएटेड प्रोडक्शन।
ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स की। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, तो कुछ कुछ यहाँ पे रिएक्शंस लिखेंगे। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि आपको रिएक्शंस याद नहीं करनी है, रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको वो जो टेबल है वो याद करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज याद करनी है, वो मैंने याद कराने की आपको कोशिश करी है, और जब हम बार बार कोशिश करेंगे तो आपको सभी याद हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल है इनकी, प्रोटोन प्लस प्रोटोन इज इक्वल टू प्रोटोन प्लस लैम्डा नॉट प्लस के प्लस। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके यहाँ पे हाइपरॉन और के मेसॉन एक साथ बने हैं, इसी को कहते हैं एसोसिएटेड प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन तब होता है जब आपके लेफ्ट साइड में कोई भी आपका, जब आपके रिएक्टेंट्स में कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल ना हो। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स में ये और लिख लो कि यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होंगे ये, कंजर्वेशन लॉस से अभी हम देख लेंगे, इन्हें किसी एक रिएक्शन में देख लेंगे, तो दिस शुड बी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेंजनेस कंजर्व करोगे तो दोनों तरफ जीरो, ये जीरो हो गए, ये जीरो है, इसका -1 है, इसका +1 है। जो आपके हाइपरॉन्स हैं, अगर आपके हाइपरॉन्स बनते हैं तो हाइपरॉन्स की स्ट्रेंजनेस सभी की नेगेटिव होती है। हम हाइपरॉन्स की बात करें, इनके एंटी पार्टिकल्स की पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो क्योंकि हाइपरॉन्स की सभी की नेगेटिव होती है, तो केवल हाइपरॉन्स नहीं बन सकते, अगर लेफ्ट साइड में एक भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो राइट साइड में केवल हाइपरॉन्स नहीं बनेंगे, उनके साथ ऐसे के मेसॉन बन जाएंगे जिनका स्ट्रेंजनेस प्लस हो जाएगी, ताकि स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके ये वाले हाइपरॉन्स राइट साइड में बनते हैं और लेफ्ट साइड में एक भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, तो राइट साइड में के मेसॉन बनेगा साथ में, ताकि स्ट्रेनस कंजर हो जाए, और इसी को हम कहते हैं एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ हाइपरॉन्स एंड के मेसॉन्स। अब इनकी एग्जांपल्स हम और लिख लेते हैं, और एग्जांपल्स हैं प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस सिग्मा नॉट प्लस के प्लस, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्रोटोन प्लस के प्लस प्लस एक्स, अब वो पूछ ले व्हाट इज द अननोन पार्टिकल एक्स, और ये कह दे कि दिस रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, तो व्हाट इज द अननोन पार्टिकल एक्स, तो वहां पे आप कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करके, कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करके बता सकते हो कि ये रिएक्शन, कि ये एक्स पार्टिकल कौन सा होगा। तो आप देख सकते हो ये एक्स पार्टिकल सिग्मा नॉट भी हो सकता है, ये एक्स पार्टिकल लैम्डा नॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अभी हम बाद में करेंगे, जस्ट इससे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, अभी मैं और रिएक्शंस लिख दूं आपके लिए। तो इन्होंने ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन दे दिया, आपको अननोन पार्टिकल एक्स बताना है, या एक काम कर लो, यही यही यहीं कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे पूरा कर लेते हैं और फिर और रिएक्शन बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसे, हम ये देखेंगे कि जो एक्स पार्टिकल है उसका चार्ज क्या हो सकता है, +1। अब चार्ज आप लिखो यहाँ पे +1 +1, तो अननोन पार्टिकल जो है उसका चार्ज मान लो हमने क्यू मान लिया, तो व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्योंकि चार्ज ऑलरेडी कंजर्व हो चुका है तो अननोन पार्टिकल एक्स का चार्ज 0 आपको नजर आ रहा है, तो यानी कि दिस पार्टिकल शुड बी चार्जलेस, आपको ये पता चल गया। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप लेप्टॉन नंबर कंजर्व करोगे, कोई भी पार्टिकल लेप्टॉन नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस पार्टिकल कैन नॉट बी लेप्टॉन, ये पार्टिकल लेप्टॉन नहीं हो सकता। अगर आप बैरियम नंबर कंजर्व करोगे तो बैरियम नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोटॉन्स बैरियन है, के जो है वो मैसॉन है, बैरियन नहीं है, बैरियन फर्मियन पार्टिकल होते हैं, मैसॉन्स बोसॉन्स होते हैं। तो
यहाँ पे जो बैरियो नंबर है वो आपको दिख रहा है कि बैरियो नंबर शुड बी इक्वल टू, बताओ कितना होगा बैरियो नंबर? अननोन पार्टिकल एक्स का बैरियो नंबर कितना होगा? प्लस वन। ठीक है, तो प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस वन। तो हमें ये लग रहा है कि भाई ये पार्टिकल जो अननोन है ये बैरियर होना चाहिए। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन्होंने दे रखा है तो हम यहाँ पे स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व कर लें और ये देखें कि ये जो पार्टिकल अननोन है ये स्ट्रेंज पार्टिकल है कि नहीं। प्रोटोन स्ट्रेंज होते नहीं है, के मेसॉन जो है स्ट्रेंज पार्टिकल होता है, इसका स्ट्रेंजनेस प्लस वन होती है। तो अब अगर स्ट्रेंजनेस हम अननोन पार्टिकल की देखें तो उसकी स्ट्रेंजनेस कितनी हो गई? माइनस वन, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जीरो है तो हो गई माइनस वन। इसका मतलब ये पार्टिकल बैरियन है और बैरियन में भी जिनकी स्ट्रेंजनेस माइनस वन हो ये वो है, और उनमें भी जिसका चार्ज जीरो है ये वो है। तो फिर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ये पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस माइनस वन है, जिसका चार्ज जीरो है। तो चार्ज जीरो लैम्डा नॉट और सिग्मा नॉट का है, बैरियर नंबर इन दोनों का प्लस है और स्ट्रेंजनेस इन दोनों की माइनस वन है। तो कंक्लूजन ये हो गया कि पार्टिकल जो एक्स है वो लैम्डा नॉट भी है, हो सकता है, और सिग्मा नॉट भी हो सकता है, यानी कि ये रिएक्शन दोनों तरह से प्रोसीड कर सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, मे बी प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा नॉट इज लेट्स से 60% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिग्मा नॉट इज लेट्स से 40%। ठीक है, तो ये दोनों से पॉसिबल है। तो इस तरह से आप एग्जाम में कोई अननोन पार्टिकल कर सकते हो कंजर्वेशन लॉस को फॉलो करा के। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे चले। अब हम कुछ रिएक्शंस और लिख लेते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स की। तो प्रोडक्शन की और रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। नहीं, इसमें क्या है कि आइसोस्पिन को करोगे तो भी यही आएगा आंसर, आइसोस्पिन करोगे तो भी यही आएगा। देखो आपने क्वेश्चन पूछा तो हम वो भी कर लेते हैं। जब आप थर्ड कंपोनेंट करोगे, अब मैं थर्ड कंपोनेंट पे आ रहा हूं, थर्ड कंपोनेंट हो गया इसका प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ, ये डबलेट है, ये सब डबलेट है, प्लस हाफ हो गए, और इसका थर्ड कंपोनेंट हमें निकालना है। तो थर्ड कंपोनेंट अननोन पार्टिकल का आ गया आपका जीरो। तो ये जीरो थर्ड कंपोनेंट दोनों के लिए होता है, थर्ड कंपोनेंट से भी हो गया। अब हम बात करेंगे आइसोस्पिन की। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर आइसोस्पिन से करें तो क्या तब भी दोनों कन्फर्म हो जाएंगे? तो हो जाएंगे, उस पर अब हम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। अब मैं बारी बारी से इन पार्टिकल्स को सिग्मा नॉट को और लैम्डा नॉट को रख के दिखाता हूँ कि आइसोस्पिन कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूं जहां पे मैंने एक्स को लिख दिया लैम्डा नॉट, और मैं दूसरी रिएक्शन लिखता हूं जहां पे मैंने एक्स को लिख दिया सिग्मा नॉट। अब देखो आइसोस्पिन कैसे कंजर्व करते हैं। पहले अब देखो, अब यहाँ पे अगर हमने ये कर ही दिया है तो अब मैं एक चीज आपको और बता दूं। पहले तो आइसोस्पिन कंजर्व कर लें और फिर देखें ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं।
और फिर उसके बाद एक चीज और बतानी है, ये जो यहाँ पे ये एक्स पार्टिकल है ये क्रॉस नहीं है, कभी आप सोचो कि यहाँ पे क्रॉस है, इट इज एक्स पार्टिकल, मतलब ये गलत नहीं है, ये एक्स पार्टिकल की जगह हमने ये लिख लिया है। तो यहाँ पे आइसोस्पिन करें तो ये डबलेट है, आइसोस्पिन को कैसे याद करेंगे, ये डबलेट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन डबलेट है, तो दोनों का आइसोस्पिन हाफ, और आइसोस्पिन का वेक्टर एडिशन करते हैं, ये भी हाफ ये भी हाफ, ये सिंगलेट है, इट इज सिंगलेट। सिंगलेट के लिए 2i+1 इज इक्वल टू 1i=0। अगर इन तीनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो ये आएगा 0 1, ठीक है, और इन 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 तीनों से आएगा 0 और 1, ठीक है। तो दोनों कॉमन हो गए, दोनों कॉमन हो गए, एटलीस्ट वन शुड बी कॉमन, तो इसका मतलब आई इज कंजर्व, आई कंजर्व हो गया, आपने जो है कंक्लूड कर दिया ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक। यहां पे देखो, यहां पे हाफ हाफ ये आ गया 0 1, यहां पे हो गया हाफ, यहां पे हो गया हाफ, और यहां पे हो गया 1, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट के लिए 2i+1 इज इक्वल टू 3i=1। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों से 0 1, उसके बाद 0 के साथ 1 करोगे तो 1, 1 के साथ 1 करोगे तो 0 1 2, तो अल्टीमेटली इन चारों से इनसे आ गया 0 1 एंड 2। तो यहां पे अब भी 0 और 1 कॉमन है, एटलीस्ट वन शुड बी कॉमन, तो आई इज कंजर्व, और साथ में कंक्लूजन हो गया ये स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है, दोनों पार्टिकल कंक्लूजन ये करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग से गवर्न्ड है, दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो आप आइसोस्पिन से इन दोनों को, ठीक है, तो कंफर्म ये हो गया कि दोनों पॉसिबल है। अब हम रिएक्शंस लिख लेते हैं, मतलब कुछ और एग्जांपल स्ट्रेंज स्ट्रेंजनेस में, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस भी कराने हैं तो वो रह जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है किस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूँ, चलो पहला एग्जाम्पल पूरी कर लेते हैं, एग्जाम्पल बार बार रह जाती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं किसकी, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स की। तो सबसे पहली हमने एग्जाम्पल लिखी थी, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस लैम्डा नॉट प्लस के प्लस, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस सिग्मा नॉट प्लस के प्लस, इनको तो हम कर चुके। उसके बाद है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस सिग्मा प्लस प्लस के नॉट, इसके बाद है पाई माइनस प्लस प्रोटोन, आपने लिखते रहो सिग्मा लैम्डा नॉट प्लस के नॉट, सभी में आपको दिख रहा है एसोसिएटेड प्रोडक्शन हो रहा है हाइप्रॉन्स का और के मेसॉन्स का। उसके बाद पाई माइनस प्लस प्रोटोन सिग्मा माइनस प्लस के प्लस, उसके बाद है पाई माइनस प्लस प्रोटोन सिग्मा नॉट प्लस के नॉट, इसके बाद है पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन के प्लस प्लस सिग्मा नॉट, इसके बाद है पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन के प्लस प्लस लैम्डा नॉट। इसके बाद अभी तक जो हमने प्रोडक्शन किया है उसमें लैम्डा और सिग्मा वाले हाइप्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ काई हाइप्रॉन्स, तो इनकी रिएक्शन अगर हम लिखें, जो यहां पे हमने रिएक्शन लिखी है इनके अलावा भी हो सकती है, ये कुछ एग्जाम्पल लिखी है, इसके इनसे अलग भी कोई रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पे हमने लिखा के माइनस प्लस एन, ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसी है जहां पे लेफ्ट साइड में भी के मेसॉन है, स्ट्रेंज पार्टिकल है, और राइट साइड में आपका एसोसिएटेड प्रोडक्शन हो रहा है।
यहाँ पे हो गया दूसरी एग्जाम्पल के माइनस प्लस प्रोटोन, ये हो गया आपका नॉट प्लस के नॉट, ठीक है। इन हाइपरॉन्स को हम कहते हैं आर कॉल्ड कैस्केड हाइपरॉन्स। बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली डीके इंटू ए न्यूक्लियॉन एंड ए पायोन, बट डीके वाया इंटरमीडिएट लैम्डा नॉट हाइपरॉन स्टेट। तो इनको हम कैस्केड हाइपरॉन्स कहते हैं क्योंकि बाकी जो आपके हाइपरॉन्स हैं उनका डीके डायरेक्टली न्यूक्लियॉन और पायोन में हो जाता है। इनका जो है लैम्डा नॉट में होगा और लैम्डा नॉट फिर पायोन और न्यूक्लियॉन में डीके हो जाते हैं। तो डीके की एग्जाम्पल अगर हम लिखें इन वाले की, तो यहां पे हम लिख रहे हैं इसका डीके हो गया लैम्डा नॉट प्लस पाई माइनस, इसका डीके हो गया लैम्डा नॉट प्लस पाई नॉट, और फिर ये जो आपके लैम्डा नॉट है ये जो बने हैं ये डीके होंगे प्रोटॉन प्लस पाई माइनस में या प्रोटॉन प्लस पाई नॉट। ये जो है हमने लिखी ये वीक इंट्रैक्शन, ये वीक है क्योंकि डीके हो रहा है तो ये वीक है, वीक इंट्रैक्शन है बिकॉज ये डीके है, डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल है, लेकिन बाकी जो ऊपर लिखे हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीक वाले इंट्रैक्शन है उसमें जो डेल्टा एस है, जो डेल्टा एस है वो वन हो रहा होगा। अगर आप किसी एक रिएक्शन में देखो, मान लो यहाँ पे देख लो एस, तो ये हो जाएगा -2, ये है -1, ये 0 है, इसका मतलब डेल्टा एस का मॉड शुड बी इक्वल टू +1 फॉर वीक इंट्रैक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नहीं, ये न्यूट्रल नहीं होता, ये आपका माइनस और नॉट में होता है न्यूट्रल। क्या कह रहे हो आप न्यूट्रल? एक मिनट, अब आपने पूछा वीक कैसे है, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम इसमें से एक रिएक्शन ले लेते हैं और कंजर्वेशन लॉ से गवर्न कराते हैं कि वीक कैसे है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मान लो मैंने इसमें से एक एग्जाम्पल, हाँ बाकी ऊपर वाले सब स्ट्रांग है, ठीक है, कंजर्वेशन लॉज आप लाकर देख सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, सभी में कंजर्वेशन लॉज लगाओ, अप्लाई करो और उसमें देखो कि आई तक कंजर्व है तो वो स्ट्रांग है। अब मैं यहां पे कोई एग्जाम्पल आपका वीक वाला लेता हूं, लेट से ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो अब इसमें टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बताना आपको, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कैसे बताओगे? तो मैंने कहा था पॉइंट्स टू रिमेम्बर, उससे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इट इज डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल, डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल, तो आपको यहाँ पे ये
वीक लग रहा है। अब कंफर्म करने के लिए हम कंजर्वेशन लॉज करेंगे। तो अब सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेट करना है कि वेदर दिस रिएक्शन पॉसिबल और नॉट। तो सबसे पहले आप करोगे चार्ज -1 0 -1, चार्ज इज कंजर्व। उसके बाद मान लो फर्स्ट स्टेट में आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, आपने किया बैरियन नंबर, तो हाइपरॉन भी बैरियन है, ये भी हाइपरॉन बैरियन है, और ये मेसॉन है, बैरियन नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेप्टॉन इसमें है नहीं, तो लेप्टॉन्स को नहीं करोगे। अब बात हुई करते हैं मास की, मास एनर्जी की। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर कोई डीके वाली रिएक्शन है तो डीके में आप मास देखोगे, और ये देखोगे कि मास ऑफ डीकेइंग पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो रहा है। अब मैंने आपको मास याद कराए थे, मैंने आपसे कहा था प्रोटॉन 938.3, न्यूट्रॉन 939.6, तो ये तो एग्जैक्टली याद हो गए। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये 1115 होता है, इसे 1100 याद कर लो। फिर मैंने कहा कि तीनों सिग्मा जो है आपके, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, अप्रोक्सीमेटली 1200 याद कर लो। ये 1100 है, 1200, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1200 याद कर लो। फिर मैंने कहा कि जो दोनों काई हैं, अप्रोक्सीमेटली 1300 याद कर लो। फिर मैंने कहा ओमेगा माइनस है, वह 1672 होता है, आप अप्रोक्सीमेटली 1670, 1650 याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अप्रोक्सीमेटली, इसलिए कि यहाँ पे इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हो गया 1300 विच इज ग्रेटर देन, ये हो गया आपका 1100। अब पायोंस की को मैं आपको याद करा दूं, पाई प्लस पाई नॉट 140, पाई नॉट 135, और जो के मेसॉन्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 500, ठीक है, और ईटा है 549, या आप कह सकते हो 550, ठीक। तो ये हो गया आपका 140, तो आपका मास एनर्जी कंजर्व है। फिर मैंने कहा लीने मोमेंटम, लीने मोमेंटम में मैंने कहा कि अगर डीके की रिएक्शन है तो इसमें आप देखोगे एटलीस्ट टू पार्टिकल्स, एटलीस्ट टू पार्टिकल्स, तो वो आपके यहाँ पे है। उसके बाद मैंने कहा आपसे एंगुलर मोमेंटम, मैंने एंगुलर मोमेंटम के लिए आपसे कहा कि दोनों तरफ स्पिन्स को देखो, स्पिन दोनों तरफ जो रिजल्टेंट है, वेक्टर एडिशन करोगे तो हाफ इंटीजर या इंटीजर होनी चाहिए, और उसमें कॉमन होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे स्पिन इसकी हाफ होती है, इसकी हाफ होती है, और इसकी जीरो होती है, तो इसका भी हाफ आ गया, दोनों तरफ हाफ इंटीजर हो गया। या आप यहाँ पे एंग्लो मोमेंटम को ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन्स देख लो, दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन्स देख लो, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन्स इवन या ऑड होने चाहिए। यहाँ पे वन फर्मियोन है, यहाँ पे भी वन फर्मियोन है, तो अगर दोनों तरफ ऑड नंबर ऑफ फर्मियोन्स हो गए, तो अगर दोनों तरफ ऑड नंबर ऑफ फर्मियोन्स है तो उनका रिजल्टेंट भी हाफ ऑड इंटीजर आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। अगर आपका फर्स्ट एट हो गए हैं तो इसका मतलब आपको लग रहा है रिएक्शन पॉसिबल है। उसके बाद आप जो है स्ट्रेंजनेस पे आ जाओ, नंबर नाइन्थ पे, उसी ऑर्डर में। स्ट्रेंजनेस आपको मैंने अभी याद कराई थी, इनकी -2 होती है, इसकी -1, इसकी 0, आपकी जो स्ट्रेंजनेस है उसका डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसका मॉड माइनस, उसका मॉड जो है 1 हो गया। स्ट्रेंजनेस का डिफरेंस +-1 होना चाहिए। अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हुई, नॉट कंजर्व, अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हुई और 1 आ गया आपका, तो इसका मतलब कंक्लूड कर दो ये वीक है। ठीक है, तो अब हम आगे चलें।
तो अगर स्टेनियस कंजम नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ना है, आपको कंक्लूड कर देना है कि वो वीक है। हम अभी जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है? तो अब जो है या कोई कोई बात नहीं, मैं अभी देखता हूँ एग्जाम्पल, अभी अभी करा कर सकते हैं, ठीक है? मैंने ऐसा ऐसा नहीं कहा है। आपका क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रेंज पार्टिकल डीके हो रहा है तो वो ऑलवेज वीक है, तो मैंने कहा टेंडेंसी ऑफ वीक है बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो 100% वीक नहीं कहोगे आप, टेंडेंसी ऑफ वीक कहोगे, तो आपको वीक लगे लग रहा होगा और उसके लिए फिर आप कंफर्म कर दोगे। अब आप यहाँ पे देखो कॉलिजन ऑफ स्ट्रेंज एंड नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स, अगर ऐसी रिएक्शन है जहां पे स्ट्रेंज नॉन स्ट्रेंज, तो यहाँ पे देखो के माइनस प्लस प्रोटॉन, सिग्मा माइनस प्लस पाई प्लस, तो ऐसे में एसोसिएट प्रोडक्शन होना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी स्ट्रेंज पार्टिकल है, ठीक है? तो ये सब भी स्ट्रॉन्ग से हो रहे हैं जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सिग्मा माइनस प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे हो गया ये भी स्ट्रॉन्ग से है, क्योंकि यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन है आपको स्ट्रेंज पार्टिकल का लग रहा है, दिख रहा है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स, तो ये स्ट्रॉन्ग से है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स। लेकिन कंफर्म करोगे एग्जाम में, ये हमने इस पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन कंफर्मेशन कंजर्वेशन लॉस से करना है। अब जो है मैं एंगुलर मोमेंटम में फिर से आ जाऊं एक बार कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। या एक काम करते हैं, एक मिनट, आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझसे कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की एग्जांपल, तो अभी मैं आपके लिए देखता हूँ कोई एग्जांपल मुझे अगर दिखे तो मैं उसे कर देते हैं फिर। तो अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो यहाँ पे है पाई माइनस प्लस प्रोटोन एन प्लस फोटोन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोटोन नहीं हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकता, फोटोन नहीं हो तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, ठीक है? तो इसको आप जो है टाइप ऑफ इंट्रेक्शन बताना, आपको टाइप ऑफ इंट्रेक्शन। तो यहां पे सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेट करोगे चार्ज -1 +1 0 +0, दोनों तरफ जीरो चार्ज है क्योंकि ये डीके की रिएक्शन नहीं है, नॉट डीके रिएक्शन, तो आप लीनियर मोमेंटम को नहीं कर सकते, लीनियर मोमेंटम और मास एनर्जी को आपको स्किप करना है, आप नहीं कर सकते उसे, ठीक है? क्योंकि तो मैंने आपसे कहा था कि अगर डीके की रिएक्शन नहीं है तो इस रिएक्शन में भी मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कैन बी लेस देन मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर विच रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, फॉर विच थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड टू द इंसिडेंट पार्टिकल फॉर टू
टू प्रोसीड दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है ये। तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे तो मास ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा है, लेकिन मास ऑफ द रिएक्टेंट कम भी हो सकता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ और मास एनर्जी को स्किप करोगे, सिर्फ डीके में करोगे, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में करोगे। तो अब मैंने क्या 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 कहा था आपसे, एंगुलर मोमेंटम के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे स्पिन स्पिन देखो। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम का फर्स्ट मेथड, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम और समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट मेथड तो ये है कि इनकी स्पिन देखो, पायोन्स आपके बोसोन से, फोटोन की स्पिन 1, ग्रेविटोन की 2 और सभी मेसोन्स की 0, प्रोटोन की हाफ, इससे आगे हाफ, यहाँ पे ये हाफ, इसकी 1, इसकी हो गई हाफ और 3/2, दोनों तरफ हाफ इंटीजर है, तो इसीलिए ये कंजर्व हो गई। दोनों तरफ हाफ इंटीजर होना जरूरी है, कॉमन ना भी हो तो भी कंजर्व है। अगर एक तरफ हाफ और दूसरी तरफ 3/2 होती, कॉमन नहीं भी होती तो भी कंजर्व है, क्योंकि एल उससे ऐड होके जे को बराबर बना देगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम का मतलब यहाँ पे जे है, ठीक है। तो सेकंड मेथड ये है, हमने कहा था नंबर ऑफ फर्मियोन को देख लो, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन ऑड है या नंबर ऑफ फर्मियोन इवन है तो भी कंजर्व है, क्योंकि अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन ऑड है तो उनका रिजल्टेंट जो है हाफ इंटीजर आएगा, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन इवन है तो उनका रिजल्टेंट इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका 1 फर्मियोन है और राइट साइड में आपके पास 1 फर्मियोन है, कौन कौन से दोनों तरफ, एक तरफ प्रोटॉन एक तरफ न्यूट्रॉन, बाकी दोनों बोसोन है। तो अगर 1 फर्मियोन है उसका मतलब दोनों तरफ हाफ ऑड इंटीजर स्पिन आएगी, तो आप नंबर ऑफ फर्मियोन से भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ भी कंजर्व है। तो एंगुलर मोमेंटम इस तरह से करेंगे। उसके बाद लेप्टॉन इसमें है नहीं, बैरो नंबर करोगे, 0+1, 1+0, बैरो नंबर कंजर्व हो गया। उसके बाद आप करोगे स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज इसमें है नहीं तो स्किप कर दो या सबको 0 लिख दो। अब है आपका थर्ड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट आपका पायोन्स आपके ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में है, तो ये हो गया -1 अकॉर्डिंग टू चार्ज, प्रोटोन न्यूट्रॉन डबलेट है अकॉर्डिंग टू चार्ज, प्रोटोन को +1/2, न्यूट्रॉन को -1/2, और जो आपका फोटोन है उसका 0, क्योंकि ये इसमें मैं आपसे बता दूं, फोटोन के लिए I3 तो 0 लिखोगे, बट उसके लिए I नहीं होगा, I इज नॉट फॉर फोटोन, ठीक है। तो फोटोन में I को 0 करोगे, I3 को, हाँ। अगर 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 एक तरफ इंटीजर हो स्पिन और एक तरफ हाफ इंटीजर हो रिजल्टेंट स्पिन का, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। इसको हम बीटा डीके में कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, अगर उस रिएक्शन में न्यूट्रिनो नहीं आपने इन्वॉल्व किया तो आपका इंटीजर एक तरफ आया, एक तरफ हाफ इंटीजर आया, तो हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, और फिर आपने न्यूट्रिनो को इन्वॉल्व करके एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा दिया। तो यहाँ पे जो है फोटोन के लिए I3 0 और I जो है वो फोटोन के लिए नहीं होता है, या एक तरह से मैंने कहा था फोटोन वाले रिएक्शन में I को कंजर्व नहीं करोगे। तो जब आपने कर दिया तो यहाँ से Δ I3 0 हो गया, I3 इज कंजर्व, कंक्लूड कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, इफ ए रिएक्शन कंटेन्स फोटोन, डू नॉट कंजर्व आई, ऐसी रिएक्शन में आई को नहीं करना है, आई को बिना करे कह दो आई विल नॉट बी कंजर्व, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। लेकिन अगर फोटोन नहीं होगा तो रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि फोटोन होने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, पर ये बात सही है कि फोटोन होने पे 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, प्रोवाइडेड दैट रिएक्शन इज अलाउड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।
ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डिके इज फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब आपको यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरेक्शन नहीं बताना, ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन लॉ, मतलब अगर फर्स्ट एट में अगर एक भी कंजर्व नहीं है तो वो फॉरबिडन है। तो अगर आप देखो कि कौन सा फॉरबिडन है, आपको कौन सा नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तीन अलाउड है, एक फॉरबिडन है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप नंबर लेफ्ट साइड में 0 है और यहाँ पे जो है +1 है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप नंबर भी कंजर्व नहीं है और मियोनिक लैपटॉप नंबर भी कंजर्व नहीं है, यहाँ +1 है और यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब आपका आंसर डी हो गया। अगर ऑप्शन आपका आंसर डी हो गया तो इसका मतलब फर्स्ट थ्री आपके पॉसिबल है। अगर फर्स्ट थ्री पॉसिबल है तो आप लोग बता सकते हो कि जो फर्स्ट थ्री है वो किस इंटरेक्शन से है, बिना बिना कंजर्वेशन लॉ करे, पॉइंट्स टू रिमेम्बर से आप बताओ कि फर्स्ट थ्री किस टाइप ऑफ इंटरेक्शन से है। क्योंकि अगर यहाँ पे डी वाला, हाँ, तो आपके आंसर आगे वीक, तो वीक वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, इन तीनों में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है तो वो वीक ही होगा। ठीक है, कंफर्म करने के लिए आपका आपके लिए होमवर्क है, इन पे कंजर्वेशन लॉज ला के देखो तो ये वीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और है। अगर रिएक्शन आपकी ऐसी है जहां पे जैसे ए वाली रिएक्शन है, तो ए वाली रिएक्शन में आप स्टेनलेस से भी नहीं कर सकते, आप जो है थर्ड कंपोनेंट से भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने ए वाली रिएक्शन में फर्स्ट एड कर लिए और मान लो फर्स्ट एड आपके कंजर्व हो गए, फर्स्ट एड कंजर्व हो गए, ये हो जाएंगे, तो इसे कंफर्म कैसे करो? तो आप कंजर्वेशन लॉ से नहीं कर पा रहे क्योंकि ना तो इसमें स्टेनलेस है ना इसमें थर्ड कंपोनेंट हो पाएगा क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फिर आप कैसे करोगे? सिर्फ यही कहोगे कि भाई इसमें न्यूट्रिनो है इसीलिए ये वीक है। ठीक, लेकिन सी वाली रिएक्शन में आप कह सकते हो कि इसमें फर्स्ट एड करने के बाद, फर्स्ट एड तो कंजर्व हो जाएंगे, फर्स्ट एड कंजर्व हो जाएंगे, फर्स्ट एड करने के बाद स्टेनलेस स्किप हो गया, थर्ड कंपोनेंट आपका पाई प्लस के लिए +1 हो जाएगा, इनके लिए 0 हो जाएगा, तो थर्ड कंपोनेंट से आपका कंफर्म हो गया ये कंजर्व नहीं है ये वीक। मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम में आपको फर्स्ट एड भी करने हैं, यहाँ पे तो कंफर्म है कि ये पॉसिबल है, इसीलिए हमने कह दिया न्यूट्रिनो से वीक, तो हमें वीक नजर आ रहा है पर फर्स्ट एड भी देखने आपको कभी कहीं फॉरबिडन तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन में भी आप I3 करोगे, यहाँ +1 यहाँ 0 0, I3 इज नॉट कंजर्व, फर्स्ट एड तो इसमें हो जाएंगे, फर्स्ट एड करने के बाद जब आप स्टेजनेस पे आए, स्टेजनेस को आपने स्किप कर दिया, I3 इज नॉट कंजर्व, इट इज वीक। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्रोसेस इज फॉरबिडन। इसका मतलब यहां पे भी एक फॉरबिडन है, तीन पॉसिबल है। तो अब आप देखो कि किसमें फॉरबिडन हो सकता है। ठीक है, फॉरबिडन में जो आपके बहुत आसान वाले हैं पहले वो कर लेने चाहिए, जैसे चार्ज है, लैपटॉप नंबर है, बैरो नंबर है, पहले इन तीनों करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कंक्लूजन नहीं हो रहा तो फिर कुछ और कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखोगे, ऑप्शन नंबर बी, तो बताओ बी में क्या, कौन सा कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, बी वाले में कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है? तो बी वाले में लैपटॉप नंबर नहीं हो रहा है, लैपटॉप नंबर इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप नंबर 0 यहाँ पे हो गया, +1 इट इज पार्टिकल, इट इज ऑल्सो पार्टिकल, तो अल्टीमेटली लैपटॉप नंबर
इज नॉट कंजर्व, तो ये फॉरबिडन हो गया, बस यहीं पे रुक जाओ और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ठीक है, और अब आपके लिए होमवर्क है, तो कि जो बाकी जो है तीनों, जब मुझे अब मुझे ये बताओ आप, अब जो है फर्स्ट वाली रिएक्शन किस इंट्रैक्शन से है, फर्स्ट वाली रिएक्शन किस इंट्रैक्शन से है? फर्स्ट वाले इंट्रैक्शन में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, अगर न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है तो ये 100% वीक, प्रोवाइडेड फर्स्ट एट आर कंजर्व, तो फर्स्ट एट तो इसमें हो रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें एक ही फॉरबिडन है। बी वाले ऑप्शन में क्या है, क्या है टाइप ऑफ इंट्रेक्शन बी वाले ऑप्शन में? यहां भी न्यूट्रिनो है, 100% वीक। आपके लिए होमवर्क है, कंजर्वेशन लॉ लगा के देखना, यहां पे थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं हो रहा, थर्ड कंपोनेंट इज नॉट कंजर्व। ठीक है, और ए वाले ऑप्शन में भी थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो करोगे, यहाँ पे प्लस हाफ है, यहाँ पे माइनस हाफ है। ए वाले ऑप्शन में भी थर्ड, मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि ये किस लिए आपका फॉरबिडन है, किस लिए आपका ये वो है। अब सी वाला आप बताओ, सी वाला आपको क्या नजर आ रहा है? तो आप में से एक का आंसर तो आ गया है, एक स्टूडेंट का, सी वाला स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि सी वाले में आपका प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। बी वाला, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बी वाला तो फॉरबिडन है, बी वाले में तो लैप्टॉप नंबर कंजर्व नहीं है, वो मैंने गलत लिख दिया, वो गलती से हो गया है, मैं बात डी करना चाह रहा था, डी वाली, डी इज वीक, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिनो है, बी वाला तो फॉरबिडन है ही, वो तो गलती से लिखा गया। ठीक है, तो जो सी वाला है वो स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए होमवर्क है, इसमें कंजर्वेशन लॉज लगाने हैं और आई तक कंजर्व करना है, आई तक कंजर्व इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज, यहां मैंने पेज नहीं लिखा, पेज शायद यही वाला होगा, पेज नंबर 39 ही है ये भी शायद, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताओ। जब आप MN 54-25, इसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, थर्ड टाइप ऑफ बीटा डीके 24, तो इसमें कौन सा पार्टिकल आएगा? टेस्ट डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी जिनसे क्वेश्चन टेस्ट में नहीं हो पाए वो करके देख लें, हम नेक्स्ट क्लास में टेस्ट डिसीजन करेंगे, सबसे पहले मतलब पहले टेस्ट डिसीजन करेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, आप फिलहाल इस टॉपिक पे फोकस करो, क्योंकि तो मैं इस टॉपिक को बीच में छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं। लास्ट स्लाइड ये है, तो लास्ट स्लाइड में जो है ऑप्शन नंबर बी था, अब जो है नेक्स्ट स्लाइड ये है। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, कंजर्वेशन लॉ करोगे, तो सबसे पहले अगर चार्ज करोगे तो यहाँ पे चार्ज 25 है, यहाँ पे है -1, वैसे तो आपको आंसर मिल गया, लेकिन मैं जो है प्रोसीजर बता रहा हूँ क्या करना आपको, 24+Q, तो अल्टीमेटली चार्ज हो गया आपका अननोन पार्टिकल का 0, लेट्स से दिस पार्टिकल इज एक्स, इसका एक्स का 0, उसके बाद बैरियर नंबर, तो बैरियर नंबर के लिए हमने कहा था बैरियर कितने होते हैं, जो मास नंबर वही बैरियर नंबर है, 54+0, 54+B, इसका मतलब ये पार्टिकल बैरियर नहीं है, तो हम देखेंगे कि क्या ये पार्टिकल मास लेप्टॉन है, तो लेप्टॉन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ +1, यहाँ पे 0, तो इसका जो लेप्टॉन नंबर है वो पार्टिकल का 1 होना चाहिए,
ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज 0 हो, वो बैरियन ना हो और उसका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 हो, तो ऐसा पार्टिकल इन चारों में आपको न्यूट्रिनो नजर आ रहा है, तो इसका आंसर न्यूट्रिनो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पॉजिट्रॉन कैसे हो जाएगा? किसी ने यहाँ पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, यानी कि डिंपल ने पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, तो देखो इतनी ऐसी गलती मत करो, क्योंकि अगर एलिमेंट्री पार्टिकल हम नहीं भी पढ़ते तो भी मैंने बीटा डीके में करा दिया ये सब, ठीक है? तो बीटा डीके में चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन नंबर देखो, बैरियन नंबर देखो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 39। ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ट्रेवल्स ए लेंथ ऑफ 3 × 10⁻³ इन एयर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ट्रेवल्स ए लेंथ ऑफ 3 × 10⁻³, तो ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन एयर बिफोर डीके। द डीके प्रोसेस ऑफ द पार्टिकल इज डोमिनेटेड बाय, तो अगर जब कोई पार्टिकल डीके होता है तो वो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा और उसमें कुछ लाइफ टाइम होगी, ठीक है? अब क्योंकि वो पार्टिकल रिलेटिव स्टिक है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और यहां पे जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी दे रखी है, डिस्टेंस कवर्ड इज दिस मच, तो अब यहां से आप लाइफ टाइम निकाल लो, तो लाइफ टाइम हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³, ये हो जाएगा 3 × 10⁸। अल्टीमेटली ये 3 × 10⁻¹ का ऑर्डर आ गया। तो ये जो लाइफ टाइम है ये किस रेंज में होगा? तो हमने कहा था कि अगर डीके की रिएक्शन है तो जो पार्टिकल की लाइफ टाइम है वही उस रिएक्शन की लाइफ टाइम भी हो जाएगी। तो हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग के लिए जो आपका लाइफ टाइम है वो लेस देन −22 सेकेंड होता है, इलेक्ट्रोमैटिक के लिए −21 से −14 होता है, और वीक जो है वो थोड़ी स्लो रिएक्शन होती है उसकी लाइफ टाइम −13 से 3 होती है। तो ये जो है आपका वीक वाली रेंज में आ रहा है, तो इसका आंसर वीक हो गया, वीक इंट्रैक्शन। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट है आपका द रिएक्शन के प्लस, अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ देखो कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये के प्लस के माइनस की मल्टीप्लाई है क्या? तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये मल्टीप्लाई नहीं है, अगर ऐसे भी लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ये के प्लस और प्लस के माइनस, और यहाँ पे पी प्लस पी माइनस है, या पी माइनस या पी बार एक ही बात है, ये एंटी प्रोटोन है, ठीक है? तो ये रिएक्शन एक्चुअली ये है, कैन प्रोसीड इरेस्पेक्टिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द के प्लस एंड के माइनस, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसे कैसे करेंगे? मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर डीके की रिएक्शन नहीं है तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कैन बी लेस देन मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि जब आपकी रिएक्शन के प्लस और के माइनस वाली है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो मास है
जो आपका मास है रिएक्टेंट्स का वो प्रोडक्ट के मास से कम है, लेकिन तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ये कब होगी पॉसिबल? ये तब होगी जब आप लेट से यहाँ पे टारगेट ये है और इंसिडेंट पार्टिकल ये है, जब आप अब यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंसिडेंट पार्टिकल को थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हो तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। अगर आपने थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो ये लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है। आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी देनी ही पड़ेगी तो अभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि किसी भी काइनेटिक एनर्जी पे रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर बी की। स्टेटमेंट नंबर बी में लिखा हुआ है कि द रिएक्शन दिस इज फॉरबिडन बाई बैरियन नंबर। तो आपको यहाँ पे बैरियन नंबर चेक करना है। अगर आप बैरियन नंबर चेक करोगे तो यहाँ पे 0 बैरियन नंबर और यहाँ पे +1 फॉर प्रोटोन -1 फॉर एंटी प्रोटोन। तो बैरियन नंबर तो यहाँ पे कंजर्व हो गया, जबकि ये कह रहा है कि फॉरबिडन है बैरियन नंबर से। यहाँ पे फॉरबिडन का मतलब रिएक्शन फॉरबिडन की बात नहीं कर रहा, ये फॉरबिडन का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे केवल बैरियन नंबर को चेक करना है। तो बैरियन नंबर यहाँ पे कंजर्व हो रहा है इसने फॉरबिडन कहा है, ये भी गलत है। थर्ड रिएक्शन में इसने कहा है कि द रिएक्शन दिस इज फॉरबिडन बाय स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आप केवल स्ट्रेंजनेस देखोगे। स्ट्रेंजनेस जब आपने थर्ड में देखी तो यहाँ +1 यहाँ -1, फोटोन की स्ट्रेंजनेस होती नहीं है, स्ट्रेंजनेस यहाँ पे कंजर्व हो गया, ये कह रहा है फॉरबिडन, तो ये भी गलत। अब बात करेंगे डी की। इसने डी कहा है कि दिस प्रोसीड्स वाया वीक इंट्रैक्शन। तो आप वीक के लिए देखोगे कि क्या ये वीक है कि नहीं है। वीक के लिए सबसे पहले ये देखोगे, वैसे तो आंसर हो चुका है डी है क्योंकि बाकी तीन आंसर नहीं है तो डी वाला आंसर है। पर अगर वीक के लिए आप कंफर्म करोगे तो कैसे करोगे? आप यहाँ पे पहले फर्स्ट एड करोगे। चार्ज यहाँ पे कंजर्व हो गया, 0 +1 -1, चार्ज इज कंजर्व। बैरियन यहाँ पे है नहीं, लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिकल्स है नहीं। उसके बाद क्योंकि ये डीके की रिएक्शन है तो मास एनर्जी करोगे, मास ऑफ के इज 500 अबाउट, यहाँ हो जाएगा 140 140, कंजर्व हो गया। लीनियर मोमेंटम एटलीस्ट टू पार्टिकल्स होने चाहिए, ये हो गए कंजर्व। फर्स्ट स्टेट हो चुके, इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, बैरियन इसमें है नहीं। उसके बाद स्ट्रेंजनेस, इसमें स्ट्रेंजनेस कितनी हो जाएगी इसकी? +1, के प्लस की +1, के माइनस की -1, के नॉट की +1, के नॉट बार की -1। तो ये होगी +1, ये पार्टिकल स्ट्रेंज नहीं है। डेल्टा एस आपका 0 नहीं है, 1 है, इसीलिए ये वीक है। तो इसका डी सही ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो ये हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने आंसर ये बता रखा है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 40, मैच द रिएक्शंस ऑन द लेफ्ट विद द एसोसिएटेड इंट्रैक्शंस। अब यहां पे जो मैं बात कहने वाला हूं उस पर ध्यान से सुनना, और वो ये है, अगर आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हो और राइट साइड में फॉरबिडन वाला ऑप्शन होना, यहां पे फॉरबिडन नहीं है। अगर यहां फॉरबिडन भी होता तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर फॉरबिडन भी होता तो हम फर्स्ट एट भी देखते, पर क्योंकि यहाँ पे फॉरबिडन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे जो तीन रिएक्शन दी है कोई ना कोई इंट्रेक्शन इसका मतलब यहाँ पे है ही, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरबिडन वाली नहीं है। और अगर ये रिएक्शन फॉरबिडन वाली नहीं है
तो इसका मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट एड को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो फर्स्ट एड तो हो ही जाएगा जब वो पॉसिबल है। तो आप अपना यहाँ पे टाइम बचा सकते हो। यहाँ पे यू कैन स्किप फर्स्ट एड कंजर्वेशन लॉज। जहां पे आप कंफर्म नहीं हो, मैच द फॉलोइंग वाला वो नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वहां पे आप फर्स्ट एड करने पड़ेंगे। लेकिन जहां पे मैच द फॉलोइंग है, फॉरबिडन का ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे फर्स्ट एड को आप स्किप कर सकते हो। और जब आपने फर्स्ट एड स्किप कर दिया, तो जब मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर बताया था, उससे आप कर सकते हो आप। तो मैंने कहा कि अब बताओ, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, वो क्या होगा? 100% वीक। अब आपको फर्स्ट एड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि ये वीक तब होगा जब जब प्रोवाइडेड इट इज नॉट फॉरबिडन, और यहाँ फॉरबिडन ये है नहीं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट को कर दिया इलेक्ट्रोमैटिक। सेकेंड वाले में फोटोन इन्वॉल्व है, ये 100% इलेक्ट्रोमैटिक होगा। और थर्ड वाले में क्योंकि इसमें पॉइंट्स रिमेंबर बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स एंड पायॉन्स होंगे, केवल न्यूक्लियॉन्स और पायॉन्स होंगे, तो वो जो है 99% या 100% स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कंफर्म करने के लिए, वैसे तो स्ट्रॉन्ग है ये, और आपको आंसर मिल चुका, आपका टाइम भी बच गया, लेकिन कंफर्म करने के लिए एक बार आप यहाँ पे नंबर थर्ड पे थर्ड कंपोनेंट और आइसोस्पिन और लगा के देख लेना एग्जाम में, ठीक है? तो जब आप थर्ड वाले में थर्ड कंपोनेंट करोगे, तो ये हो गया 0, ये हो गया न्यूट्रॉन का -1/2। वैसे तो आंसर आ चुका, लेकिन एग्जाम में कंफर्म करने के लिए ये हो गया -1, ये हो गया +1, थर्ड कंपोनेंट हो गया। आइसोस्पिन हो गया ये ट्रिपलेट, ये डबलेट, ये ट्रिपलेट, ये डबलेट, इनका हो गया ½, 3/2, इसका हो गया ½, 3/2, दोनों कॉमन है, एटलीस्ट वन शुड बी कॉमन। तो ये कंजर्व हो गया और ये स्ट्रांग हो गया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, इसमें बताओ कौन सा कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा है? द डीके प्रोसेस दिस वायलेट्स, ये पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 21। क्या यहाँ पे बैरियर नंबर वायलेट हो रहा है? बैरियर तो यहाँ पे कंजर्व हो रहा है। अगर आप बैरियर नंबर करोगे, तो यहाँ +1, +1, +0, +0, बैरियर नंबर तो कंजर्व हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। क्या यहाँ पे लैप्टॉप नंबर वायलेट हो रहा है? 0, 0, +1, -1, ये भी कंजर्व हो रहा है। क्या यहाँ पे स्ट्रेंजनेस वॉलेट हो रही है? आप में से कोई बताए क्या यहाँ पे स्ट्रेंजनेस वॉलेट हो रही है? स्ट्रेंजनेस वॉलेट नहीं हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि अगर स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेंजनेस वॉलेट हो गई। यहाँ पे सबकी स्ट्रेंजनेस 0 लिख दो, तो स्ट्रेंजनेस इज नॉट वैलिडेड। अब यहाँ पे आंसर तो आइसोस्पिन आ चुका है, लेकिन आइसोस्पिन को कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछा गया कि यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, आप उसी ऑर्डर से चलोगे, आप डायरेक्ट आइसोस्पिन पे नहीं आओगे। एग्जाम में डायरेक्ट आइसोस्पिन पे नहीं आना है, पहले थर्ड कंपोनेंट करोगे। थर्ड कंपोनेंट करोगे तो इसका -1/2 है, इसका +1/2 है, ठीक है? तो अब आपका I3 कंजर्व नहीं हुआ। तो हमने कहा था कि इफ I3 इज नॉट कंजर्व, डू नॉट कंजर्व आई। आप आई को कंजर्व मत करने बैठना। अगर आई गलती से कर दिया, तो आप यहाँ पे हाफ हाफ कर दोगे, और गलती से यहाँ पे आई को कॉमन कर दोगे, कंजर्व कर दोगे, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर I3 कंजर्व नहीं है, तो I पे प्रोसीड नहीं करना है। तो फिर क्या कहना है? तो ये कहना है कि अगर किसी रिएक्शन में I3 कंजर्व नहीं है, तो I भी नहीं होगा, ठीक है? तो इसका आंसर आइसोस्पिन हो गया। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हाई एनर्जी प्रोसेसेस इज अलाउड बाई कंजर्वेशन लॉज। इस यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का है कि यहाँ पे इसमें एक ही अलाउड है, तीन फॉरबिडन है। इसने अगर अलाउड पूछा है, अब तक क्वेश्चन ऐसे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरबिडन, उस केस में तो एक फॉरबिडन था, तीन अलाउड थे, यहाँ पे केवल एक अलाउड है, तीन फॉरबिडन है। तो अब यहाँ पे आप जो है सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी में बताओ, ऑप्शन नंबर जो डी है, क्या ऑप्शन नंबर डी में डी आपको फॉरबिडन या अलाउड नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें क्या चीज फॉरबिडन है, क्या चीज मतलब इसमें कंजर्व नहीं हो रही है डी में? तो डी वाले में आपका लैप्टॉप नंबर कंजर्व नहीं है, ठीक है? तो आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, पहले आसान वाले करोगे कंजम्पशन लॉज, और फिर अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो फिर कठिन वाले पे जाओगे। तो यहाँ पे आपका डी वाला फॉरबिडन है, यहाँ पे म्योनिक लैप्टॉप नंबर और इलेक्ट्रॉनिक लैप्टॉप नंबर कंजर्व नहीं है, चार्ज भी कंजर्व नहीं है, ठीक है? अब जो है सी वाले ऑप्शन में बताओ, सी वाले ऑप्शन में लैप्टॉप नंबर कंजर्व नहीं है, ये प्लस वन, ये प्लस वन, ये भी तो आपका सी भी नहीं है। बी वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन, ये सॉरी ए वाले में, ए वाले में क्या कंजर्व नहीं है बताओ, ए वाले में क्या कंजर्व नहीं है? फर्स्ट स्टेट की बात करोगे पहले, यहां पे एनर्जी मास कर नहीं सकते, लीनियर मोमेंटम कर नहीं सकते, बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है। बैर नंबर प्रोटॉन का प्लस वन, एंटी प्रोटॉन का माइनस वन, और ये दोनों आपके बैरियन है, लैम्डा नॉट इज बैरियन, तो यहां पे हो जाएगा प्लस वन और प्लस वन, तो बैरियन नंबर इज नॉट कंजर्व। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, आपका आंसर बी हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बी अलाउड है, अगर बी अलाउड है, आप पहले स्ट्रेंजनेस में मत जाओ, पहले फर्स्ट एड करो, स्ट्रेंजनेस में डायरेक्ट नहीं जाना है, क्योंकि तो अगर स्ट्रेंजनेस नहीं भी हो रही है तो क्या दिक्कत है, वीक से हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रेंजनेस में नहीं जाना, पहले फर्स्ट एड पे जाना है, ठीक है? अब जो है जो बी वाला है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बी वाला अलाउड है तो कौन सा इंट्रैक्शन है बी वाले पे? ठीक है, तो बी वाला हो गया आपका अलाउड एंड बी वाला स्ट्रॉन्ग से होगा, क्यों? क्योंकि इसमें किस न्यूक्लियॉन्स एंड पायॉन्स है। आप कंजर्वेशन वाला के देख लेना, आपके लिए होमवर्क है कि ये स्ट्रॉन्ग से कैसे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वैसे तो टाइम में, एक मिनट, यहाँ पे जो है कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए होमवर्क है, जितने आप कर पाओ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, जब आपको स्लाइड भेजूंगा, यहाँ पे पीडीएफ भेजूंगा, उसमें क्वेश्चन पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, तो आपको वो वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से पहले करके आने हैं, क्योंकि तो अगर मैं सारे करा दूंगा तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या बचेगा, ठीक है? तो जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है उनका मैं पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के आपको पीडीएफ जो आपको अपलोड होगी उसमें आप देख लेना, और नहीं तो अपने बुकलेट में देख लेना कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, वो वाले आपको करके आने हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर टू नंबर स्लाइड दिखा दीजिए। सर इसमें इलेक्ट्रॉन का भी प्लस वन और इसका प्लस वन दोनों। हाँ तो क्या सर क्या एट चीज, स्लाइड दिखाना, एट स्लाइड हाँ अभी अभी सर अगेन, 15th पे। अभी एक सेकंड, पहले इस वाले क्वेश्चन में कोई, इस वाले क्वेश्चन पे कोई डाउट तो नहीं है? सर सी वाले में सर ये ई माइनस है ना। हाँ ई माइनस है, ई माइनस है, तभी तो उसका लैपटॉप नंबर प्लस वन लिखा है मैंने, जी क्योंकि माइनस वाले ही तो लैप्टॉन है और प्लस वाले एंटी लैप्टॉन है। जी सर 15th स्लाइड भी शो कर। हाँ एक मिनट, अब सबसे पहले ये हो गई 15, ये तो है 15, सर 11 भी। तो ये है 15, ठीक है? उसके बाद सर 8th मतलब क्वेश्चन की स्लाइड शो कर दो। एट्थ क्वेश्चन की, हाँ जी एक मिनट, एट्थ क्वेश्चन ये है, हाँ जी
22 स्लाइड, एट्थ स्लाइड सर, स्लाइड नंबर सर 11 स्लाइड, स्लाइड नंबर 2 सर। एक मिनट एक मिनट, अब ये स्लाइड नंबर 11, स्लाइड नंबर 11 ही है, स्लाइड नंबर 2 सर। अभी एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। इलेवेंथ होगी इसका, एट्थ है ये, एट्थ है ये सर, 22। अभी एक सेकंड, ये होगी एट्थ, उसके बाद 22 ये है। टू सर। अब हम शुरू चल रहे हैं, तो पहला फर्स्ट फर्स्ट आपकी ये है, फर्स्ट ये है, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, फर्स्ट ये हो गई। उसके बाद सेकंड ये है, थर्ड सर, सेकंड हो गई। उसके बाद थर्ड ये है, थर्ड के बाद फोर्थ ये है, फोर्थ के बाद फिफ्थ भी आपकी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इसको एंड करें, अगर कोई और डाउट ना हो तो। 1920 सर, हाँ, अल्फा डीके के सिलेक्शन रूल बता दो। अभी एक सेकेंड, 19 ये है। देखो आप ये मत किया करो कि सारी स्लाइड दिखा दो, ठीक है। इसमें इसमें आप लेट आते हो, उसके बाद जो इसमें स्क्रीनशॉट लेते हो, उससे कोई फायदा नहीं है। वो तो हम पूरा लेक्चर अपलोड कर ही देते हैं, फिर वहां पे देख लो, ठीक है। 19 ये है और 20 ये है। अब मैं जो है अल्फा डी सिलेक्शन रूल बता देता हूँ आपको। अगर मान लो हमारे पास अल्फा डीके है, कोई पार्टिकल, कोई न्यूक्लियाई एक्स है और इसमें अल्फा डीके हुआ वाई ए माइनस फोर जेड माइनस टू, यहां पार्टिकल अल्फा बन गया। ये क्योंकि डी के एट रेस्ट है, तो यहां पे जो है कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो यहां पे एल ऑफ द रिएक्टेंट्स इज जीरो, तो यहां पे जो जे ऑफ द रिएक्टेंट है वो जे ऑफ एक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो यहां पे कौन कौन से वेक्टर्स हैं, एक तो जे वाई है और एक जे अल्फा है। जे अल्फा आपका जीरो होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि ये इवन इवन न्यूक्लियाई है, और साथ में यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी आएगी एल ऑफ द प्रोडक्ट्स, जिसको आपने एल ऑफ द अल्फा पार्टिकल भी लिख लिया था। तो आपके पास तीन वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो जे ऑफ द प्रोडक्ट्स होगा वो इन तीनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा, जे वाई का, जे अल्फा का और एल पी का या एल अल्फा का। अब क्योंकि जे अल्फा जीरो है, तो आप यहाँ पे इसको जे वाई और एल पी कह सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब यह है कि जे ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू जे ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहां से जे ऑफ द एक्स शुड बी इक्वल टू जे ऑफ द वाई प्लस एल पी, ये हो गया। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड से आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर लिया, तो यहां से आप आपको जो है एग्जाम में जे एक्स और जे वाई की वैल्यू या तो दे रखी होगी या इनकी वैल्यूज आप सेल मॉडल से निकाल लोगे। तो जब इनकी वैल्यू आपको पता है या निकाल लिया आपने, तो वहां से आप एल पी की वैल्यू निकाल सकते हो, जे एक्स माइनस जे वाई टू जे एक्स प्लस जे वाई, ठीक है। तो आपने एल पी की वैल्यू निकाल ली। अब आप करोगे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी करने के लिए आप कहोगे कि पैरिटी ऑफ एक्स
इंटू माइनस वन की पावर एल ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ वाई इंटू पैरिटी ऑफ एल्फा इंटू माइनस वन की पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे पैरिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल आर की वैल्यू जीरो है, पैरिटी ऑफ एल्फा प्लस वन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इवन इक्वलाई अल्फा तो जीरो प्लस होता है, तो ये हो जाएगी पी वाई इंटू माइनस वन की पावर एल पी। तो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी आ गई। यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर पी एक्स और पी वाई की पैरिटी दोनों की सेम है, मान लो दोनों की ऑड है या दोनों की इवन है, अगर दोनों की पैरिटी सेम है, ठीक है, यानी कि सेम पैरिटी है, तो फिर ये जो इक्वेशन है आपकी इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये मान लो थर्ड है, तो इक्वेशन नंबर फोर्थ कब सेटिस्फाई होगी, तो अगर आपकी ये दोनों मान लो दोनों इवन इवन है तो दोनों तो लेफ्ट साइड में आपका प्लस वन हो गया, तो राइट साइड में प्लस वन करने के लिए इनके लिए एल पी की वैल्यू इवन होनी चाहिए, एल पी की वैल्यू इवन होनी चाहिए। और अगर आपका अपोजिट है पैरिटीज, पैरिटीज आपकी अपोजिट है, यानी कि एक इवन है दूसरी ऑड है या वाइस वर्सा, तो उस केस में एल पी शुड बी ऑड, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर एल पी इवन है तो पैरिटीज सेम होगी, या इसी बात को ये कह लो पैरिटीज सेम है तो एल पी की वैल्यू इवन होगी, या एल पी की वैल्यू अगर ऑड है तो पैरिटीज दोनों दोनों की एक्स और वाई की अपोजिट होगी, एक की इवन दूसरे की ऑड, एक की ऑड दूसरे की इवन। तो ये आपका सिलेक्शन रूल हो गया, बस यही करना है, मतलब यही चेक करना है। ठीक है, तो अब इस क्लास को एंड करते हैं। हेलो सर। हाँ सर, असाइनमेंट, सॉरी, जो हम लोगों का जो असाइनमेंट बुक है ना, जिसमें प्रीवियस से पेपर्स है, उसमें कुछ क्वेश्चंस था, बताओ क्या। अच्छा, एक मिनट, मैं अब आप बताओ कौन सा पेज पे है। पेज 35। एक मिनट, हाँ बताओ, पेज 35। हाँ, पेज 35 में क्वेश्चन नंबर 3-4, मतलब सर यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए। नहीं नहीं देखो, ऐसा है कि देखिए 3-4 को अभी मैंने नहीं कराया है। ओके। 3-4 में ना क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला यूज करना है, क्रॉस सेक्शन मैंने अभी नहीं कराया है। ओके। अभी ने अभी अभी रुक जाओ, और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ सर। वो क्वेश्चन 1 सेकंड जो है, किसमें क्वेश्चन 1 उसी पेज में, अच्छा उसी पेज में क्वेश्चन, हाँ सेकंड पार्ट जो है, देखिए ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन का है। ओके, वो भी वो पढ़ाना है, ठीक। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन इसमें रह गए हैं ना, वो अभी हो जाएंगे, वो अभी टॉपिक हुए नहीं है। नहीं नहीं सॉरी, कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हैं, बाकी तो इसे कर ही नहीं रहे क्वेश्चंस को, तो ये तो आपका काम ही है कि करने का, और उसमें फिर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर ये नहीं हो रहा है तो इसे कैसे करें, ठीक है। तो इसको अब एंड करें क्लास को, ठीक है, तो अब मैं इसको एंड करता हूँ।